हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं श्योर शॉट सिंगल होम्योपैथी मेडिसिन ऑफ ए डिजीज के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथी में किसी बीमारी के इलाज अथवा किसी एबनॉर्मल लक्षणों के निदान के लिए होम्योपैथी मेडिसिन सेलेक्ट करना आसान नहीं है। एक एक बीमारी और एक एक सिम्टम की सैकड़ों दवाइयाँ हैं और सबके लक्षण आपस में डिफर करते हैं। हम लोग किसी मरीज का इलाज करते समय या किसी असामान्य लक्षणों का इलाज करते समय उस बीमारी और उस लक्षणों के साथ साथ हम मरीज का हुलिया जरूर देखते हैं। हुलिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, सेंसेशन देखते हैं, काजेशन देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, मॉडलिटीज देखते हैं, यानी ये बीमारी कब बढ़ती है और कब घटती है। मरीज का हुलिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन और इन सब एस्पेक्ट को समझने के बाद में हम कोई एक मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। इस एपिसोड में हमने नियर स्पेसिफिक दवाई बताने की कोशिश की है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम 5 बीमारियों के बारे में बात करेंगे और उनकी अलग अलग सिंगल होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जिससे कोई भी व्यक्ति बिना सोच विचार के, बिना असमंजस के, बिना संकोच के वो दवाई लेकर के अपनी बीमारी से मुक्ति पा सकता है। दोस्तों, ऐसे ही 5 बीमारियों में से आज की पहली बीमारी है अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। दोस्तों, तमाम कारणों से बहुत से लोगों को पानी देख करके पेशाब जाने की तीव्र इच्छा होती है। पानी चाहे किसी नहर में बह रहा हो, नदी में बह रहा हो, नाले में बह रहा हो, नल से बहता दिखे या पानी बहने की आवाज़ सुनाई पड़े, यहाँ तक कि चाहे टीवी में हमें पानी बहता हुआ दिखे या मोबाइल में पानी बहता हुआ दिखे या पानी बहने की आवाज़ सुनाई पड़े, तब पेशाब जाने की तीव्र इच्छा होती है और इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो जाता है, यानी अनजाने में पेशाब निकल जाता है। उस समय पेशाब पर कोई कंट्रोल नहीं हो पाता। पानी या पानी का दृश्य देख करके, पानी का चित्र देख करके या पानी बहने की आवाज़ सुन करके होने वाली इस पेशाब होने की तीव्र इच्छा और अनजाने में पेशाब निकल जाने की इस बीमारी का नाम है अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और इसके श्योर शॉट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है लाइसिनम 30 की 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियां दिन में 3 बार लेनी है। आप लगातार इन दवाइयों का सेवन करते रहें, कुछ ही दिनों के बाद में आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आपका पेशाब पर कंट्रोल हो रहा है, यानी पानी देख करके या पानी का चित्र देख करके या पानी की आवाज़ सुन करके आपको यूरिन पास नहीं होगा। दोस्तों, आज की दूसरी बीमारी का नाम है रीनल कॉलिक, यानी लगातार किडनी के स्थान पर, गुर्दे के स्थान पर, यानी पीठ में लगातार डल पेन बना रहना, बुखार रहे, शरीर में दर्द रहे, थकावट महसूस हो, नाजिया वोमिटिंग हो, आपको उल्टी और मितली आने की परेशानी महसूस हो, बार बार पेशाब जाने की तीव्र इच्छा हो और पेशाब करने के दौरान में आपको दर्द महसूस हो। ये दर्द चाहे किडनी में हो रहा हो, चाहे यूरेटर्स में हो रहा हो, चाहे यूरिनरी ब्लैडर में हो रहा हो अथवा यूरेथ्रा में हो। सामान्यतः ये दर्द हमारे यूरिनरी सिस्टम में स्टोन्स के कारण होता है। दोस्तों, जब कभी तमाम कारणों से हमारे यूरिन में कैल्शियम और यूरिक एसिड के कण आपस में चिपकने लगते हैं, तब वहाँ पर छोटे छोटे स्टोन फॉर्म्स होते रहते हैं। ये स्टोन बालू के कण के बराबर भी हो सकते हैं और काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं। जब ये कण मूत्र मार्ग में अवरोध पैदा करके दर्द पैदा करते हैं, तब इसी परेशानी को रीनल कॉलिक कहा जाता है। और इस बीमारी के श्योर शॉट मेडिसिन का नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर नेचर। आधे कप पानी में बर्बेरिस वल्गैरिस मदर नेचर की 10-10 बूंद डाल करके दिन में 3-4 बार लेना है। आप लगातार इन दवाइयों का सेवन करते रहें, जो आपके स्टोन्स बने हुए हैं वो भी डाइल्यूट होकर के निकल जाएंगे और आपका जो दर्द हो रहा है यूरिनरी पैसेज में, ये बंद हो जाएगा। दोस्तों, आज की तीसरी बीमारी का नाम है डिफिशियंट मदर्स मिल्क। दोस्तों, जब कभी मदर के पास अपने बच्चे के लिए पर्याप्त दूध न हो पा रहा हो या मदर ये महसूस करती हो कि उसके बच्चे को पर्याप्त दूध नहीं मिल पा रहा है और उसे अधिक दूध की जरूरत है, तब मदर के दूध की मात्रा और उसकी क्वालिटी दोनों बढ़ाने की जरूरत होती है। मदर के पास दूध की इस कमी को एगलेक्टिया नाम से कहा जाता है। इस बीमारी को एगलेक्टिया कहते हैं और मदर का दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ाने की श्योर शॉट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है रिसिनस कम्युनिस 30। अधिक पानी में रिसिनस कम्युनिस 30 की 5-5 बूंद दवा दिन में 3-4 बार लेना है और इसी दवाई की 10-10 बूंद इसनों पर डाल करके मालिश भी करनी है। आप कुछ ही दिनों के बाद में देखेंगे कि आपका दूध पर्याप्त होने लगा है और आपकी ये परेशानी दूर हो गई। दोस्तों, आज की चौथी बीमारी का नाम है टेस्ट लॉस, यानी हम जो खा पी रहे हैं उसका कोई टेस्ट या स्वाद महसूस नहीं होता है। इस बीमारी को डिसगाइडिया कहा जाता है। कोरोना के समय हमारे तमाम साथियों ने टेस्ट लॉस की स्थिति को महसूस किया होगा। दोस्तों, हम लोग जो कुछ खाते पीते हैं तब हमारी जीभ पर स्थित टेस्ट बड्स या खाने में मौजूद पदार्थों की केमिकल इन्फॉर्मेशन ब्रेन को भेजती है और ब्रेन हमें ये स्वाद महसूस कराता है। पर जब कभी हमारी जीभ पर स्थित टेस्ट बड्स और ब्रेन के बीच में कोई बाधा हो, यानी टेस्ट बड्स और ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो, तब हमें हम जो कुछ खा पी रहे हैं उसका स्वाद पता नहीं चलता, क्योंकि ब्रेन को कोई इन्फॉर्मेशन केमिकल की नहीं पहुंच रही, तभी हमें लॉस ऑफ टेस्ट महसूस होता है। इसके लिए कुछ अंग्रेजी दवाइयों का सेवन, टंग इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन, सेलिवरी ग्लैंड्स का इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, फ्लू, इन सब में हमारे टेस्ट बड्स के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है जिससे पर्याप्त इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँचती है और हम टेस्ट लॉस महसूस करते हैं। और दोस्तों, इस टेस्ट लॉस की श्योर शॉट होम्योपैथी मेडिसिन का नाम है नेट्रोम्यूर 30।
नेटोमेलथर्टी की चार चार बूंद दवा या चार चार गोलियाँ दिन में तीन चार बार लेनी है। आप लगातार इन दवाइयों का सेवन करते रहें, कुछ ही दिनों के बाद में आप ये महसूस करेंगे कि आपका टेस्ट जो है रिकवर हो रहा है और आपको टेस्ट आने लगा है। आप लगातार दो तीन हफ्ते दवाई का सेवन करेंगे तो आपका टेस्ट वापस आ जाएगा और आप फिर से सभी चीज़ों का स्वाद चख सकेंगे। आज की पांचवी बीमारी का नाम है UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी मूत्र मार्ग संक्रमण। दोस्तों ऐसे पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है और पेशाब करते वक्त कटिंग पेन होता है, इसे पूरे यूरेथ्रा में बर्निंग पेन महसूस होगी, इसमें जलन दर्द होगा और बार बार पेशाब जाने की तीव्र इच्छा होगी। UTI का ये खास सिम्टम है कि इसमें बार बार पेशाब जाने की तीव्र इच्छा होती है। ये परेशानी बच्चे महिला पुरुष किसी को भी हो सकती है। इसमें यूरेथ्रा के बाहरी ऊपरी छोर पर मजेदार खुजली के साथ साथ टिंगलिंग महसूस होती है। मूत्र मार्ग में कटिंग पेन होता है, खुजली होती है जो पूरे यूरेथ्रा में महसूस होती है। बच्चे पेशाब लगने के समय उछलने लगते हैं दर्द के कारण। यूरिनरी ब्लैडर के गर्दन पर यानी यूरिनरी ब्लैडर के बाहर आपको कटिंग पेन महसूस होता है और ये ज्यादातर गोनोरिया वायरस के संक्रमण के कारण होता है। इसे पेशाब करने से पहले और पेशाब करने के बाद में चिपचिपा पानी आता है। और इस UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की श्योर शॉट मेडिसिन का नाम है पेट्रोसिलिनम 30 की चार चार बूंद दवाएं, चार चार गोलियां रोजाना तीन बार लेनी है। ये दवा लगातार लेते रहें और पानी भरपूर पीते रहें, लोकल हाइजीन बना रखें। कुछ दिनों के बाद में आप महसूस करेंगे कि आपका जो जलन है पेशाब करने के दौरान और जो बार बार तीव्र इच्छा होती पेशाब जाने की वो कम हो गई है और लगातार इलाज करेंगे तो ये दवाई से आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए। दोस्तों ये थी श्योर शॉट सिंगलोपैथी मेडिसिन ऑफ डिजीज के इस एपिसोड के बारे में। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।